भाई अपनी ड्यूक चमका के साइड में खड़ी कर दी है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे अंधेरे में मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई आज फाइनली हम टाइम से राइड करने निकल रहे हैं। पहले इसको वार्म अप कर लेते हैं एंड मैं भी टाइम से उठ गया हूँ। टाइम ऑलमोस्ट देखो 5:41 हो रहे हैं। हमारा मीटिंग पॉइंट था 5:30 बजे कि हम 5:30 बजे रोल आउट कर जाएंगे, मतलब मेरे घर के यहाँ से। तो 12 मिनट में वहाँ से लेट हूँ क्योंकि 5:42 हो चुके हैं। बट कोई नहीं, धीरे धीरे सुधार सुधार के ही टाइम सुधरेगा। आज आई एम श्योर जितने भी हमारे बड़े भैया लोग हैं सारे खुश हो जाएंगे कि आज हम टाइम से निकल रहे हैं। नज़ारा देख लो भाई, एक तो मौसम बड़ा सुहाना, ऊपर से ये जो सबको कर देती है दीवाना। वाह क्या राइमिंग बनी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड टू आवर चैनल एसबीके व्लॉग। क्या हाल है हमारे भाइयों के? भाइयों आज हम निकले हैं गुड़गांव की तरफ एंड आज का जो राइड प्लान है वो है, पहले KMP जाएंगे, टॉप स्पीड टच करेंगे एंड देन बैक टू सेक्टर 26 और 29 में जो बीकानेर वाला है। तो आज भाई बहुत अमेजिंग है क्योंकि आज हम सारे टाइम से निकले हैं। मौसम भी देखो, देखो सूरज नहीं निकला और ऐसा ही मौसम रहा तो मज़ा आ जाएगा। तो काफ़ी सारे भाई आज खिंचे दे रहे हैं क्योंकि भाई आज अपनी CBR नहीं है। एक्चुअली CBR मेरे बड़े भाई की है तो आज वो लेके गया है। कभी मैं ले जाता हूँ, कभी भाई ले जाते हैं और इतने सारे भाई लोग हैं यार, किसी की कोई मना नहीं है। लेकिन अपने को भाई ड्यूक राजाओं की सवारी लगती है, बस आवाज़ की कमी है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब करो एरियल शॉट, एरियल शॉट। रुकने का मतलब नहीं बनता, सारे भाई लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आज टाइम से राइड करके, मतलब ठंडे ठंडे मौसम में राइड करना चाहते हैं भाई। मैं तो ले रहा हूँ रेहान भाई के साथ मजे। देखो कैसे बैठे हुए हम, आराम से अपना पैर ऊपर रख के लोगों के वीडियो ब्लॉग कर रहे हैं, टेंशन फ्री होके राजाओं की सवारी में। मैंने इसका नाम रखा राजा की सवारी। 3 भूसा लाइन में, 4th भूसा, अभी पीछे एक और भूसा है देवू भैया की। तो आज टोटल 5 भूसा हमारे साथ रोल कर रही है। Z900 हमारे पीछे, सागे भाई मैं, मामा जी आए, मामा जी का वेट था। मामा जी का ही वेट कर रहा था, मामा जी ने आज अभी तक फाइव आई नहीं दिया। भाई आज सुपर संडे है, मतलब कि जब भी निकलो हम सुपर बना देते हैं। तो भाई टेंशन मत लिया करो, मुझे लगा है, मुझे पता है कि कुछ लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अभी यार सिर्फ KTM पे व्लॉग होगा। नहीं होगा भाई, आएगी आएगी, वीडियो पूरी तो देखो, सब्र तो करो, सब्र का फल मीठा होता है। आवाजों का कहर धारे हैं हमारे भाई लोग, बड़े भैया लोग। देखो हेलमेट नहीं पहनोगे चलेगा, लेकिन इस भाई का कौन चलान काटेगा जो पॉल्यूशन फैला रहा है, जो सांस लेने में दिक्कत करती है। हेलमेट नहीं पहनोगे एक जने का नुकसान है कि भाई उसकी जान को रिस्क है। ये तो सबकी जान को रिस्क दे रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले ऐसे लोगों को नहीं पकड़ते भाई, वो सिर्फ पकड़ेंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। भाई जस्ट टोल क्रॉस करके जो पहला टोल आता है उसमें खड़े थे, निंजा भाई का वेट कर रहे थे और निंजा भाई आए अपनी FZ पे, जो स्टंटिंग मशीन उन्होंने बना रखी है उनकी, जो Z800 है उसमें पंचर था तो इस वजह से आज वो लेके आए FZ। तो आज लगेंगी भर भर के व्हीलियाँ। कैसे लग रहे हैं निंजा भाई? लो भाई एक जादू देखो, 1 2 3। तो भाई जादू देखा क्या है? अब मामा की बाइक हाथ में ली है तो खिंचे पड़ने लाजमी है। अब कौन आ रहा मेरे साथ पहले मेरे को ये देखना है।
भी यार भाई मैंने जहाँ तक देखा 260 तक गई थी एंड हल्का सा टर्न आ गया था, इस वजह से मैं धीरे हो गया, वरना आज इसको पूरी खोल देता मैं। अभी दोबारा खोलेंगे। साहब आज इतने टाइम बाद ना मैंने एक 260 की जो लिमिट है वो क्रॉस की है, मजा आ गया भाई, अल्टीमेट मजा है भाई इन मशीनों का। आवाजों का कहर, एक जादू आपने देख लिया, उसमें कितना मजा आया यहीं पॉज करो और कमेंट करो। अब एक और जादू देखो। सो 1 2 3 तो भाई कैसा लगा दूसरा जादू? बस बाइक चेंज होती रहेंगी भाई अपनी, जब भाई लोगों का इतना साथ हो यार, अपनी आज बाइक नहीं लेके आए, भाई कह रहे हैं आप मिस मत करो, आप लो चलाओ व्लॉग करो। ये मामा ने दिया फ्लाई बाय। भाई मैं, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसको क्यों नहीं भगा रहा है इतना, भाई इसमें ना नीचे वाली ब्रेक थोड़ी कम लग रही है, इस वजह से मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि मैं पूरी खोल सकूं। वोल्केनो, टोरनाडो, सुनामी, सब कुछ, अर्थक्वेक, सब कुछ एक साथ आ गया भाई। चलो चलते सीधा मिलेंगे ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। तो क्या हाल है हमारे भाइयों के? क्या हाल है भाई? बांजो के बोलो, भाइयों के नहीं यार, ये हमारे जगत मामा भाई, याद है ना सब, ये जगत मामा है हमारे। आज 2-3 भांजे आए नहीं है, इसका मूड ऑफ है। सबसे चहीता भांजा तो आया नहीं इनका, गोविंद नहीं आया, बताओ वही नहीं आया, बताओ। तो भाई आज ब्रेकफास्ट हम कहाँ कर रहे हैं, सेक्टर 26 या पता नहीं 29 की जो मार्केट है उसमें, बीकानेर वाला। देखो बहन तो मेरा भाई पिछली बार की तरह कितना प्यास है। अबे यार क्या यार, को सब बैठे हैं, तुमने पिछली बार की तरह काट कलर रहे हैं। क्या क्या गलत है? क्या ये गलत नहीं यार, अकेले अकेले खाना पीना शुरू कर दिया, हम लोग बैठे हैं और देखो माल भी क्या लेके आया है, कौन से कलर का है। कौन से कलर का माल? रोनी भाई क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे भाई? ये शर्माते हैं भाई, भूख लग रही है बहुत तेज। इधर देखो भंडारा, ये बात सच है, इधर देखो भंडारा। चलो भाई मिलते हैं खाने के बाद, ठीक है मामा जी? खाने के बाद मिलते हैं। अरे भंडारा भी खाना, भंडारा वाला लग रहा है मस्ती के साथ। ये क्या कर रहे हो? खाने के बाद मिलते हैं। ये भोग लगा रही है, अरे भोग लगा रहा है, ये भोग लगा रहा है हम सबको। भाइयों खाना पीना हो गया हमारा डन, लेकिन खाने पीने के बाद एक मस्त सी चीज आपको मामा जी दिखाने वाले हैं। मामा जी बताओ। आज ये हमारे डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर साहब रोनी भाई आज इतना जोश में थे, इतने जोश में इन्होंने बाइक चलाई है, इनकी हालत देखो आप। अरे यार 300 की स्पीड में चलाने का नुकसान देखो, पैंटी बढ़ गई। जब इनकी पैंट हमने इस हालत में देखी तो मैंने इनसे पूछा क्या हाल है भाई के। और इन्होंने क्या बोला? पटे हाल है भाई के। तो भाई हमारा ये वीडियो का सारा काम हो गया खत्म, राइड हो गई, एंजॉय हो गया। ये मामा जी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, पुलिस वालों को मामा जी से बोलते हैं। एक मामा जी ये रे, एक मामा जी ये रे। तो भाई इस टाइम टू एंड दिस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी रीज़न की, वैसे बहुत सारे रीज़न है ये वीडियो को अच्छा लगने के, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है, किसके ऊपर आने वाली है वो देखो भाई, हमारे रेडी खड़े हैं, तो भर भर के एक्शन होने वाला है। तो अभी ये वाली वीडियो को एंड करते हैं, फिर दूसरी वीडियो दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलो बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।
मामा जी कोई बोलना चाहोगे? अरे क्या ले भाई तो बोल दो मामा। अरे थक गए भाई थक गए भाई। मामा की उम्र होली, मामा की उम्र होली, मामा का प्रियर का लगा प्रियर। भाइयों भाइयों एक बात और बाय ये डिजाइन है कुछ तुमने खुद बाड़ी है, ये सच में बड़ी है। लौड़ना हमारा चिकना भी देखो कितना। हमारे स्प्लेंडर वाले भाई पूरी सुपर बाइक की फीलिंग लेते हैं। निंजा भाई मजे ले रहे हैं उनसे। भाई सब पैशन होना चाहिए बाइक को, इजी भी हो। देखो भाई पूरा लीन करता हुआ खींचता हुआ चलता जा रहा है।